तो चलिए गाइस i11TWS की अनबॉक्सिंग करते हैं। इस वीडियो में आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसकी क्वालिटी क्या हो सकती है, आपको किस तरह से इसको कहाँ से किस वेबसाइट से आपको बेस्ट मिल सकते हैं। तो चलिए गाइस मैं आपको इस वीडियो में पूरा डिटेल आपको बता देता हूँ कि इसकी बैटरी पिकअप आपको कितने घंटे तक मिल सकती है। तो चलिए गाइस अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। हमारे चैनल में आप नए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको कुछ भी इसके बारे में इन्फॉर्मेशन होना हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए गाइस मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने इसको कल फैक्ट्री से मंगाया है, तो कुछ ऑफर था, मैंने इसको 460 पे मंगाया था, तो लगभग मुझे 460 रुपये की प्राइसिंग मिली थी। तो जब एक ऑफर था उसके बाद मैं उसकी इसी एयरपोर्ट्स को देखा तो वो लगभग 520 रुपीज़ में आ गया था। तो चलेगा इस सब बातों को छोड़ते हुए मैं आपको इसकी क्वालिटी क्या होती है, साउंड क्या है, साउंड बेस क्या है, कितने टाइम तक प्लेबैक ये दे सकता है, तो चलेगा इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर आपको एक कार्ड मिल जाता है रॉयल कस्टमर के लिए। तो यहाँ पर आपको अगर ये लोगों को आप 5 स्टार देंगे, तो रेटिंग 5 स्टार देंगे, तो आपको अपने पेटीएम पर 100 रुपीज़ मिल जाएंगे। तो चलिएगा इसको अनबॉक्सिंग करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं i11TWS 5.0 वायरलेस हेडफोन। यहाँ पर आपको कुछ इंग्लिश में मिल जाएगा, यहाँ पर भी वही लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं प्रोडक्ट बॉक्स को। तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस बॉक्स में आपको एक एयरपोर्ट्स बॉक्स मिलेगा, उसके नीचे आपको एक केबल मिलेगा चार्ज करने के लिए। आप अगर चाहें तो इसको आईफोन के केबल से भी चार्ज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको यूज़र गाइड मिलेगी, जो एक चाइनीज़ में मिलेगी, एक इंग्लिश में मिलेगी। यहाँ पर आपको किस तरह से यूज़ करना है इसको, इसके टच फीचर्स क्या है, यहाँ पर आपको पूरा दिखाई देगा। यहाँ पर आपको पूरा मैनुअल में पढ़ सकते हैं आप यूज़र गाइड में। तो हम चलेगा इसको बाजू रख देते हैं और इसकी क्वालिटी चेक करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास, हम पहले अपने फ़ोन को ले लेंगे। यहाँ पर इसको ओपन करता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं दो एयरपोर्ट्स है इसमें। आपको यहाँ पीछे एक छोटा सा बटन मिल जाएगा, जो इसको चार्जिंग के लिए आप प्रेस करेंगे तो चार्जिंग होना शुरू हो जाएगा। तो इसको मैं ओपन कर देता हूँ, यहाँ से बटन दबा देता हूँ इसका। पहले मैं फ़ोन का, चलिए गाइस मैं इसको कनेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं अपना ब्लूटूथ ऑन कर लेता हूँ। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक नोटिफिकेशन लाइट मिल जाएगी, यहाँ से आपको ये पता चल जाएगा कि ऑन हो चुका है। तो यहाँ पर देख सकते हैं गाइस, मैंने पहले इसको यूज़ किया था कि आपको मैं इसकी सही रिव्यू दे सकूँ। तो मुझे जब ये प्रोडक्ट मिला तो मुझे राइट वाला बिल्कुल ही काम नहीं कर रहा था। तो इसकी क्वालिटी भी इतनी अच्छी नहीं है जितना हम सजेस्ट करते हैं कि हम, तो एक ही एयरपोर्ट मेरा काम कर रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी लाइटिंग जल रही है, तो इसमें कुछ नहीं मिलता। सेम टू सेम एप्पल के एयरपोर्ट्स होते हैं, उसी को सेम टू सेम इन्होंने कॉपी किया है। यहाँ पर आपको i11TWS के दो प्रोडक्ट मार्केट में बिक रहे हैं कॉपी। तो यहाँ पर हमें एक आईफोन की जैसे सामने इसको डॉट दे के लुकिंग दिया है, तो कुछ i11TWS को यहाँ पर इस डॉट नहीं मिल रहा है। ये कुछ न्यू वर्जन शायद होगा, मुझे नहीं पता। मैं बहुत से कस्टमर्स को देखा कि ये जहाँ से लेते हैं वहाँ पर नीचे रेटिंग्स में देखा कि उनको ये ऐसा अपडेट नहीं मिला था, तो मैं आपको ये बढ़िया बात बता दिया। तो चलिए बस मैं इसको रख देता हूँ और अपने फ़ोन को ऑन कर लेता हूँ ताकि मैं आपको कनेक्ट करके इसकी साउंड क्वालिटी सुना सकूँ। TWS यहाँ पर आपको जाएगा, यहाँ देखेंगे ये कनेक्टेड हो चुका है। तो मैं आपको कोई सॉन्ग प्ले करके सुना देता हूँ इसकी क्वालिटी क्या होती है। तो यहाँ पर मैं, अगर दो भी आपको एयरपोर्ट सही मिलेंगे तो यहाँ पर आप सुन सकते हैं। गैंग लेकर आने वाले होते हैं गैंगस्टर, वो अकेला आता है।